हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनएसईआईटी द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रिपीट करेंगे, जो पेपर का लेवल रहेगा वो क्या चेंज हो जाएगा, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। और एनएसईआईटी ये क्या है, ये मेनली क्या है, ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जैसे टीसीएस है वैसे ये भी है। तो इसके द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर क्या असर पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि एनएसईआईटी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है और टीसीएस में क्या अंतर है इसके बीच का। देखिए, ऐसे तो कहने के लिए टीसीएस भी बोल रहे हैं कि टीसीएस का तरफ से भी है कि टीसीएस नो डाउट बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी है और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, वो टीसीएस की तरफ से कहा गया है। लेकिन टीसीएस में भी कुछ कमियाँ हैं और एनएसईआईटी जो है ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, इनका क्या कहना है, देखिए इनका कहना है कि इनके पास भी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम लेने का, मतलब एक्सपीरियंस है बहुत दिन से, 10 से 12 साल से एग्ज़ाम ले रहे हैं। कौन कौन से ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, देखिए जैसे कि हो गया इंडियन नेवी हो गया, और अभी रिसेंटली जो है आरपीएफ 2018 आरपीएफ एसआई का जो हुआ था, और कंस्टेबल आरपीएफ कंस्टेबल का भी एग्ज़ाम लिया गया था एनएसईआईटी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है। देखिए और जो है जैसे HPCL हो गया, BPCL हो गया, बहुत सारा जो इस टाइप का एग्ज़ाम है ये ले रहे हैं, करीब 10 से 12 साल से लिए गए हैं। इनका भी कहना है कि ये भी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, लेकिन इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन उठ रहा है। देखिए कहने के लिए दोनों में कुछ ना कुछ कमियां है, इस पर भी कुछ ना कुछ इशू उठता है, TCS पे भी, इस पर भी उठता है। लेकिन एक कहावत है, क्या कहावत है कि अपना थाली में कोई छेद थोड़ी कहता है कि मेरे में ये कमी है, ऐसा कोई नहीं कहता है। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं। एनएसईआईटी का क्या कहना है कि उनके पास काफ़ी सारा, जैसे 250 जो है सिटी में उनका एग्जाम सेंटर है, 230 सिटी में टेस्ट सेंटर है, इस टाइप का काफ़ी सारा कुछ कहना है। पूरे स्टेट में उनका एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है, एनएसईआईटी का कहना है, और टीसीएस का तो हर जगह अवेलेबल है ही। एनएसईआईटी का एक और कहना है कि एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम, जैसे कि एडमिट कार्ड इशू से लेके और एंडिंग एग्ज़ाम, जैसे कि हो गया आपका एडमिट कार्ड हो गया स्टार्टिंग और एंडिंग में आपका हो गया जैसे रिजल्ट, पूरा सब कुछ प्रिपेयर एनएसईआईटी द्वारा किया जाएगा, इस तरह से कहा जा रहा है। देखिए इसका पीछे का क्या है, देखिए अब दोनों में मेन कौन सा है, एनएसईआईटी और इसमें टीसीएस में, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिंपल बात है, सीधा आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट करेगा या नहीं, देखिए एग्ज़ाम का एक सिलेबस पैटर्न है, उस चीज़ को फॉलो करेगा। प्रीवियस ईयर क्यों नहीं करेगा, जैसे आरपीएफ का ही अगर आप पेपर उठा लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा पेपर का लेवल देखना है तो आरपीएफ का पेपर आप उठा सकते हैं, एसआई और कंस्टेबल का, लेकिन उसका सिलेबस अलग था। इधर ग्रुप डी का जो है इसका अलग सिलेबस है, जैसे साइंस हो गया तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो है तो इसमें सिलेबस में दिया ही गया है, और CBSE NCERT 10th बेसिस पे रहेगा, जो कि ऑफिशियल सिलेबस में लिखा गया है, तो इसी बेसिस पे रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनएसईआईटी ले रहा है तो वो कुछ अलग टाइप से ये कर देगा, ये सब का भ्रम में मत रहिए। ये सब जो झूठ मूठ का ये जो बहकावा में लाया जा रहा है कि एनएसईआईटी है तो ये इस टाइप का रहेगा, पेपर हार्ड रहेगा, दिस रहेगा, दैट रहेगा, ये रहेगा, फलाना रहेगा, ये रहेगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपना बस तैयारी करते रहिए, सिलेबस सेम रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या है, देखिए नॉर्मलाइजेशन का क्या है, ऐसा एनएसईआईटी पे बात क्यों उठ रहा है, थोड़ा सा डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि 2016-17 में उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम हुआ था स्टेट लेवल का, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ मतलब पेपर लीक टाइप से हुआ था, जिसमें एनएसईआईटी का ऊपर वहीं से सवाल उठने लगा था कि ये ऐसा है। थोड़ा सा टीसीएस बेटर है एनएसईआईटी के तुलना में, लेकिन अब ये जो एग्ज़ाम कौन करवाएगा, किसके ऊपर डिपेंड है ये, कौन, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, उस पर हमको ज़्यादा दिमाग खर्चा करके हमको कुछ भी उसमें लाभ नहीं होने वाला है। बस आप तैयारी करते रहिए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, बस हमारा काम यही है कि हम अपने आप को मेहनत करें, रिवीजन करें, जितना हो मॉक टेस्ट दें, नंबर इनक्रीज़ करें, बस यही है। कौन एग्ज़ाम करवा रहा है इससे हमको, उससे हम, मेरे हाथ में नहीं है, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात है कि हमारा साइंस का PDF है, चैप्टर वाइज हमारे टेलीग्राम चैनल में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और स्टैटिक GK का भी बहुत जल्दी उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, एक दो दिन में उसका भी PDF आ जाएगा, 25 टॉपिक का आ जाएगा। बस हमको यही बोलना है, ये सब के बहकावे में मत रहिए, तैयारी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, ठीक है।
और ऐसा कितना सारा क्या क्या होगा, ये होगा, वो होगी, ये सब चक्कर छोड़िए, बस तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह का अपडेट देते रहूँगा, कुछ मोटिवेशन भी देते रहूँगा, और जितना हमसे होगा मैं आपके लिए उतना कुछ सब कुछ करूँगा। बहुत लोग कर रहे थे PDF सर देने से क्या होगा। देखिए PDF भी आप अगर कहीं लेने जाइएगा तो आपको पेड में मिलेगा, बुक भी आप खरीदते हैं तो आपको पेड मिलता है। मैं आपको सिलेक्टेड NCERT बेस्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट दे रहा हूँ, तो वो आपको सही नहीं लग रहा है। फिर भी जो हो, मेरे तरफ से जितना हो रहा है मैं आपके लिए उतना कर रहा हूँ। हमको जैसा लग रहा है आपके लिए, हमसे जितना होगा बेस्ट मैं आपके लिए दे पाऊँगा, उतना मैं आपके लिए दूंगा। ये सब का चक्कर छोड़िए, चुपचाप तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हैं, ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए। ऐसे इधर से टेंशन में रह के लाइफ नहीं जिया जा सकता। फ्री में लाइफ दीजिए, अच्छा से अपना एग्जाम दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।